हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्री फायर मैक्स गेम में फ्री में कस्टम कैसे खेल सकते हो, फ्री में आप कस्टम कैसे खेल सकते हो। तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी यूट्यूब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो कैसे गाइज आप फ्री में कस्टम खेल सकते हो फ्री फायर मैक्स गेम में, उसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के इंटरनेट को ऑन कर लीजिए। उसके बाद आप फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन कर लीजिए। सो देख सकते हो गाइज, मैंने फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन कर लिया हूँ और अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्री में कस्टम खेल सकते हो। यदि आप कस्टम खेलने में आपको यदि कस्टम खेलने में मज़ा आता है तो फ्री में आप कस्टम्स कैसे खेल सकते हो, तो उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर क्लिक करना है। बी आर रैंकेड के यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पर गाइज क्या करना है आपको, नीचे यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले है कस्टम का ऑप्शन, आपको यहाँ पर कस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है। यदि आप कस्टम खेलना चाहते हो तो कस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारा कस्टम देखने को मिल जाएगा, इनमें से किसी भी कस्टम में आप ज्वाइन हो सकते हो और कस्टम खेल सकते हो। आपको जिस भी कस्टम को खेलना है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ यदि आता है रूम इज इन ए मैच, तो वह आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, वह मैच में पहले ही जा चुका है। और आपको यहाँ से सभी को ट्राई करना है ज्वाइन होने के लिए, तो आपको सभी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है, एक एक के ऊपर सभी जो यहाँ पर कस्टम्स है सभी को आपको एक एक करके ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है और आपको चेक करना है कि किसको आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हो मैं इसमें हो चुका हूँ ऐड। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा प्रोफाइल का प्रोफाइल नेम यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी इसको खेल सकता हूँ। ये कस्टम जिसने भी बनाया है वह इस गेम को जब स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद आप इसको खेल सकते हो। तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप इसको खेल सकते हो। जिसने भी कस्टम को बनाया है वह स्टार्ट करने के बाद आप गेम को खेल सकते हो। तो इस प्रकार से आप कस्टम में ज्वाइन हो सकते हो। आपको यहाँ पर यदि इस कस्टम से बाहर आना है तो आपको राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर में कट का आइकन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आप इस कस्टम से बाहर आ सकते हो। इसी प्रकार से जिस भी कस्टम में आप ज्वाइन होना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करके आपको ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आप ज्वाइन हो सकते हो। तो इसमें मैं ज्वाइन हो चुका हूँ और इसमें आप इस खेल सकते हो। इस देख सकते हो उसने मुझे हटा दिया है। और इस प्रकार से आप जिस भी कस्टम में ज्वाइन होना चाहते हो उसको आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्विक ज्वाइन का, आप इसके ऊपर क्लिक करके काफ़ी जल्दी से किसी कस्टम में ज्वाइन हो सकते हो। आपको यहाँ पर क्विक ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं एक कस्टम में ज्वाइन हो चुका हूँ। उसके बाद राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर में कट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से आप कस्टम में ज्वाइन हो सकते हो। और यहाँ पर रूम आईडी नीचे सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप रूम आईडी को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो किसी भी कस्टम में। तो इस प्रकार से गाइज आप कस्टम में ज्वाइन हो सकते हो, फ्री में कस्टम खेल सकते हो फ्री फायर मैक्स गेम में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। चलिए गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।